दिग्गजों का क्या नजरिया बन रहा है, एक बार ये भी आपको सुनवा देते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। जी बिल्कुल शुरुआत फर्स्ट ग्लोबल की देविना मेहरा के बाज़ार पर आउटलुक से हम करेंगे। उनका ये मानना है कि भारत की डेवलपमेंट स्टोरी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है और आगे भी पॉजिटिव रहेगी और भारतीय बाज़ार में आगे तेज़ी जारी रहेगी। विदेशी बाज़ार के मुकाबले स्ट्रेंथ जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में इस वक्त नज़र आ रही है। ऑटोमोबाइल स्पेस पर वो ओवरवेट हैं, खासतौर से फोर व्हीलर कंपनी के स्टॉक्स जो हैं उन्होंने पसंद आते हैं और पोर्टफोलियो में निवेश की सलाह उन्होंने ऑटोमोबाइल स्पेस और ऑटो एंसिलरी जैसे काउंटर्स पर भी दी। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनियां भी हैं जो कि देविना को पसंद आती हैं। नीलेश शाह जो कि एनविजन कैपिटल से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपनी राय रखी उन्होंने और रियल एस्टेट और होम फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों पर खास तौर से अपनी पसंद उन्होंने जताई। खास करके होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक था जिस पर उन्होंने अपनी पसंद जताई और इन्होंने ये भी कहा कि पोर्टफोलियो में शामिल कि करने लायक स्टॉक है और उनका भी यहाँ पर ये पसंदीदा शेयर है, पर्टिकुलरली होम फाइनेंस थीम की अगर बात करें तो। इसके अलावा मनीष सुखानी इनाम होल्डिंग से बाजार पर अपनी राय हमारे साथ रखते हुए उनका ये कहना था कि अगले 2 से 3 महीने आईटी सेक्टर में अच्छी तेज़ी दिख सकती है। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन हम लगातार सेक्टर्स में देख भी रहे हैं और आईटी सेक्टर में क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स भी कनेक्टेड है तो उसका एक इम्पैक्ट है जो कि नज़र आ सकता है। आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन जो हैं इस वक्त उन्हें काफ़ी सस्ते नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते आईटी सेक्टर उनके रेडार पर था। तो खास तौर से भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम है। ऑटोमोबाइल स्पेस, आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट और होम फाइनेंसिंग कंपनियां हैं जो कि दिग्गजों के रेडार पर हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ है बाजार के मार्केट दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू हमने आपको सुनाया। बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए।